क्या कर रहे हैं? चलो अंदर। चलो भाई। क्यों तस्कीन? क्यों? ये क्या कर रही हो तस्कीन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। घूम घूम के बार बार उसी मकाम पर आकर पहुंच जाती हो, क्यों? तस्कीन, तुम्हारी वजह से इस घर की दीवारें तक हिल गई हैं और कह रही हो कि मेरे बेटे को फर्क नहीं पड़ा। गजनफर मर गए, उसके लिए सब कुछ सहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? मुझसे ज्यादा मुश्किल था। आवाज नीचे रख के बात करो। हाँ है, लोगों की नजरें सहना, उनके सवाल सुनना और दिन रात तुम पर नजर रखना, इसके लिए बहुत मुश्किल है। रहने दे अम्मी, रहने दे। दरअसल गलती मेरी ही है तस्कीन। हकीकत तो यह है कि तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। अब कान खोलकर सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर आज से तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती, किसी से नहीं मिल सकती, यहां तक कि किसी से बात भी नहीं कर सकती। फोन दो। नहीं। तस्कीन? नहीं। मैंने कहा फोन दो। तस्कीन, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम करमदाद से मिलने का सोच रही हो ना, या अगर उससे बात भी करना चाहती हो, तो याद रखना इसका जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। चले अम्मी।